हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पेट पूजा फूड चैनल में। और आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम नई रेसिपी, और ये बहुत ही प्रोटीन से भरपूर होगी। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आने वाली है। और एक डिफरेंट स्टाइल में हम इसको बना करके तैयार करेंगे। तो देखिए, इसके लिए मैंने मोटी वाली जो सोयाबीन होती है उसको मैंने बॉईल कर दिया। जब ये बहुत सॉफ्ट हो गई तो इसको हम अच्छे से, इसका जो पानी है वो हम ड्रेन कर देंगे। ड्रेन किया हुआ पानी आप किसी अलग बर्तन में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये पानी काफ़ी हेल्दी होता है। जब सब्जी बनाएंगे उस टाइम पर हम उसको डाल सकते हैं। तो देखिए, मैंने कुछ, ये सबके घरों में होती है, थोड़ी नमकीन ले ली है इसकी ग्रेवी थिक बनाने के लिए। और इसका ये टेस्ट भी एकदम डिफरेंट देगी, क्योंकि हम डिफरेंट स्टाइल में ही बना रहे हैं। तो आप इस तरीके से भी ट्राई कीजिएगा। तो देखिए, मैंने वो जो नमकीन थी उसको बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया है मिक्सी में। और फाइन पाउडर बनाने के बाद अब हमने मसाला तैयार किया है। इसके लिए ऑयल गरम करके जीरा डालने के बाद मैंने कुछ प्याज ऐड की, और साथ में कुछ बेसिक मसाले ऐड किए, नमक, हल्दी और मिर्च। बस उसके बाद हमने इसको अच्छे से भून लिया, और भूनने के बाद हमने इसमें ऐड किया वही हमारा जो बिल्कुल फाइन पाउडर वाला नमकीन का पाउडर था, वही हमने इसमें ऐड किया है। और अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे और मिक्स करेंगे। अब इससे ग्रेवी बहुत थिक हो जाएगी। तो देखिए, इसके साथ साथ मैंने थोड़ा क्रीमी बनाने के लिए उस सब्जी को इसमें डाली है। मेरे पास फ्रेश मलाई रखी हुई थी, तो थोड़ी फ्रेश मलाई मैंने ऐड कर दी है। और मलाई ऐड करने के बाद फिर से हम इसको कुछ देर तक चलाएंगे अच्छे से, ताकि इसका जो मसाला ये भुनकर तैयार होगा ये थोड़ा क्रीमी क्रीमी बनकर तैयार हो। तो देखिए, मसाले को तब तक चलाएंगे, तब तक भूनेंगे जब तक कि ये ऑयल या घी को सेपरेट ना करने लगे। और अब हम इसमें डाल देंगे अपनी सोयाबीन और पानी, ताकि ज़्यादा थिक ना हो जाए। और लास्ट में ऐड करेंगे हम इसमें अमचूर पाउडर, क्योंकि मैंने इसमें टमाटर यूज़ नहीं किए थे, तो थोड़ा खट्टापन देने के लिए ये सफिशियंट था। तो देखिए, इस तरीके से हम इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे, तो ये बनकर के बहुत ही टेस्टी यम्मी रेसिपी बनी है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।